नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में लर्न विद फन एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्दों को अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं और हिंदी में इन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अंग। अंग को कहते हैं अंश, अवयव, हिस्सा और भाग। दूसरा है अंधकार। अंधकार को कहते हैं तम, तमिश्रा, तिमिर और ध्वांत। फिर है अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं पावक, ज्वाला, अनल, दहन, आग, कृशानु, जाततेव और धूम्रकेतु। अगला है अश्व। अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं तुरंग, हय, घोड़ा, घोटक, बाजी और सैंधव। अगला है असुर। असुर के पर्यायवाची शब्द हैं दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशिचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान और इंद्रारी। अगला है आंख। आंख के पर्यायवाची शब्द हैं नयन, द्रगु, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्षी। अगला है आम, जो कि फलों का राजा है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं आम्र, रसाल, पिकबंधु, सहकार, अति सौरभ और अमृत फल। अगला है आश्रम। आश्रम के पर्यायवाची शब्द हैं मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा और संघ। अगला है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, शचीपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत और यासव। अगला है इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथ, स्प्रहा, चाह, कामना, ईहा और वासना। अगला है अभिमान। अभिमान के पर्यायवाची शब्द हैं अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान और मिथ्याभिमान। तो ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।